हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कुंजी ऑफिशियल, आवर योर चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज है हरतालिका तीज का नहा खाए। जी हाँ, तीज का नहा खाए है। तो नहा खाए की मैंने कैसे प्रिपरेशन किया है, कैसी तैयारी की है, तीज की कैसी तैयारी की है, कैसे मार्केट गए हैं और क्या क्या शॉपिंग आज मैंने की है, वो सारे चीज़ आज के ब्लॉग में दिखाऊंगी। तो बने रहिए हमारे ब्लॉग में। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी नया वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए। तैयारी के लिए प्रक्रिया बन रहा है, देख सकते हैं। और उसके बाद चलिए अब किचन में। तो देखिए प्रक्रिया जो है वो छना रहा है, तीज की तैयारी मेरी हो रही है। यहाँ देख सकते हो जो है वो पिरिकिया चना रहा है, और यहाँ पे देख सकते हैं चाय बन रही है, शाम की चाय। और यहाँ तीज की गुजिया पिरिकिया और पलकिया बोलती है हमारी लता जी। फाइनली गुजिया बनके तैयार हो गया, देख सकते हो। और ये स्पेशल है क्योंकि ये चीनी के पाग में जैसे कि मिठाई बनता है उसी तरह से गुजिया बना हुआ है। और ये देख सकते हो इसमें भी रखा हुआ है। तो फाइनली मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को, यहाँ देख सकते हो मेरे यहाँ गुजिया बना है तीज में। फाइनली आ गए हैं तीज की साड़ी की शॉपिंग करने के लिए। जी हाँ, सास बहू को देख सकते हो आप लोग तीज की शॉपिंग करते हुए। जी हाँ, साड़ी का शॉपिंग कर रहे थे महिलाएं। अगर साड़ी कपड़ा खरीदने जाए तो बहुत ज़्यादा ही लेट होता है। और दुकान वाले देखिए कितनी सारी वैरायटी में साड़ी दिखाया। फाइनली जाके एक साड़ी मुझे पसंद आई, एक मम्मी को पसंद आई, और उसके बाद एक और साड़ी लेना था तो वो भी हम लोगों ने लिया है, बट नाम नहीं रिवील करूँगी किसके लिए लिया है। तो चलिए देखिए, साड़ी का वेराइटीज़ भी बहुत ही अच्छा, रेंज भी बड़ा अच्छा था। जी हाँ, 1500 से शुरू हो रहा था साड़ी का जो भी रेंज था, और अच्छा लग रहा था। लेकिन मुझे हैवी साड़ी नहीं चाहिए था इस तीज में। मैं सोच रही थी क्यों मुझे हल्का साड़ी चाहिए ताकि मैं बाद में भी वेयर कर सकूँ, क्योंकि मुझे मेरी शादी रिसेंटली हुई है, तो रिसेंटली बहुत हैवी हैवी साड़ी मुझे मिला है। तो हैवी साड़ी पहनने का मन किसी को भी नहीं करता है, बाई चांस आप कभी भी कैरी कर सकते हो एक आध बार, लेकिन हाँ हल्का साड़ी रहता है तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो फिलहाल यहाँ पे देख सकते हो साड़ी की वैरायटी, यही सोच के मैं गई थी इस बार तीज में मुझे हल्की साड़ी लेनी है जो भी मैं लूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो शॉप वाले जो हैं वो साड़ियाँ दिखा रहे, बहुत सारी साड़ी दिखाई, लेकिन मुझे फाइनली जाके एक साड़ी पसंद आई जो कि मैं ली, और वो मैं वेयर करूँगी शाम को तीज में। तो आप लोग मेरा तीज ब्लॉग ज़रूर देखिएगा, तीज ब्लॉग वेट ज़रूर कीजिएगा कि मैं कैसी तीज में रेडी हो रही हूँ। फिलहाल यहाँ पे मैं और मेरी मम्मी देखिए दूसरी दुकान आए, वहाँ पे भी नहीं पसंद आए तो दूसरे दुकान में आके यहाँ पर साड़ी हम लोगों ने पसंद किया, दो साड़ी लिए हम और मम्मी। तो उसके बाद आगे मैं बताती हूँ बिछिया। तीज में बिछिया खरीदना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर पति खरीदे तो बहुत ही अच्छी बात, अगर पति दूर है तो कोई बात नहीं, तीज में एक नया बिछिया ज़रूर ले ले। तो हम लोगों ने बिछिया की भी शॉपिंग की है। यहाँ पे देखो हम लोग आ गए हैं बिछिया खरीदने के लिए। जी हाँ, बिछिया बहुत सारा था, कंफ्यूज हो रहे थे कि कौन सा लेना, लेना तो है ही, ऐसा नहीं था कि नहीं लेना है, तीज है, तीज में बिछिया तो लेना ही रहता है। तो यहाँ पे हम और मम्मी डिसाइड करके फाइनली मैं दो ली और मम्मी एक बिछिया ले लिए, एक उनके पास नया ऑलरेडी था तो दो बिछिया लेना था, तो दोनों आदमी अपना बिछिया ले लिए हैं।
और उसके बाद अब हम लोग सर्गी कैसे करते हैं वो भी आप लोग देख लीजिए। जी हाँ, सुबह 4 बजे उठ के सर्गी की मैं और मम्मी की, यहाँ पे देख सकते हो सर्गी का है, रसमलाई, चाय और पानी, सिर्फ इतना ही सर्गी में हम लोग लेते हैं। हैप्पी तीज फाइनली, यहाँ देख सकते हो मैं मेहंदी लगा ली हूँ, अभी वन साइडेड ही लगाई हूँ, बैक में नहीं लगाई हूँ, बाद में लगाऊंगी। और अभी सर्गी के लिए उठी हूँ तो यहाँ पे देख सकते हो मम्मी चाय पी रही हैं, रसमलाई नहीं खाई, इनका जो मन है थोड़ा सा फास्टिंग में अलग ही हो जाता है बहुत लोगों का, तो मम्मी नहीं अभी कर रही हैं। और मैं आपको दिखाई रसमलाई, पानी, चाय, इतना ही मैं सर्गी में लूँगी। सबको हैप्पी तीज, और ऐसे ही हम दोनों सासपुतों सदा के लिए सर्गी मनाते रहें, तीज मनाते रहें, ऐसे ही। अभी तो 2 साल हुआ है, आगे हमेशा ऐसे ही मनाएं, सबको ऐसे साथ में रहें। आप लोग भी मनाइए अपने घर में, अपने परिवार के साथ, अपने मदर इन लॉ के साथ, जहाँ है वहाँ खुश रहिए। हैप्पी तीज। ऐसा लगा आप सभी को हमारा ये तीज नहा खाए ब्लॉग, प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करें। प्लीज़ सपोर्ट मेरे वीडियो को इन तक देखने के लिए। दिल से धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।